दुनिया के इस इलाके के समुद्र में हो रहा है चमत्कार, जानेंगे राज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वाति और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, हमारी दुनिया कई तरह के चमत्कारों से भरी हुई है। ऐसा ही एक चमत्कार अलास्का की खाड़ी में देखने को मिलता है, जहां पर दो विशाल समुद्र आपस में मिलकर भी नहीं मिलते। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बारे में। पूरी जानकारी के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, समुद्र की बात की जाए तो ये किसे पसंद नहीं। समुद्र के किनारे बीच पर मस्ती करना या फिर रेत के टीले बनाना सभी को पसंद होता है। ज्यादातर लोगों की समुद्र से कई तरह की खास यादें जुड़ी होती हैं। लेकिन इसके अलावा अगर समुद्र से जुड़ी किसी तरह की जानकारी के बारे में बात की जाए, तब हमें समझ आता है कि असल में हम समुद्र के बारे में कितना जानते हैं। आंकड़ों और विशेषज्ञों के अनुसार अभी तक समुद्र के बारे में सिर्फ 20% ही जानकारी जुटाई जा सकी है। चारों तरफ से समुद्र से घिरे होने के बावजूद भी हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। समुद्र खुद में कई तरह के राज समेटे हुए हैं और इन्हीं राजों में से एक खास राज से पर्दा उठ चुका है। दरअसल बात यह है कि समुद्र में एक जगह ऐसी भी है जहां दो अलग अलग रंगों के महासागर मिलते हैं, लेकिन इनका पानी आपस में मिक्स नहीं होता। दोनों महासागर के अलग अलग रंगों को साफ देखा जा सकता है। अलास्का की खाड़ी में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर मिलते हैं, लेकिन इसका पानी आपस में मिश्रित नहीं होता। ये बात बिल्कुल सच है कि दोनों महासागरों के आपस में मिलने के बावजूद भी इनका पानी आपस में नहीं मिलता। इन महासागरों पर हुई कई बार के गहन शोध के बाद वैज्ञानिकों ने इस बात का पता लगाया है कि आखिर रंग के इस अंतर और पानी के आपस में न मिलने के पीछे का कारण क्या है। दरअसल ग्लेशियर से निकलने वाले पानी का रंग नीला और महासागरों से आने वाले पानी का रंग गहरा नीला होता है, इसीलिए ये अंतर आसानी से देखा जा सकता है। दोनों महासागरों के पानी के आपस में मिक्स न होने के पीछे का कारण खारे पानी और मीठे पानी का घनत्व, तापमान और लवणता है। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जब विभिन्न घनत्व वाले पानी में सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो पानी का रंग बदल जाता है। इस वजह से दोनों सागरों के मिलने पर अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि दोनों का पानी आपस में मिक्स नहीं हो रहा है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि ग्लेशियर से बने सागर का पानी मीठा और समुद्र का पानी खारा होता है। जब ये दोनों महासागर मिलते हैं तो इस अंतर के कारण झाग की एक दीवार बन जाती है और इसी अलग अलग घनत्व के कारण ये दोनों सागरों का पानी आपस में नहीं मिल पाता। ये नजारा देखने में जरूर अजीब या अचंभित करने वाला लगता है, लेकिन असल में वैज्ञानिक खोज से पहले भी पानी के आपस में न मिलने के कारण के पीछे कई तरह की मान्यताएं थी। कुछ लोग इसे चमत्कार तो कुछ इसे धार्मिक मान्यताओं से जोड़कर भी देखते हैं। कुछ का मानना ये है कि पानी के आपस में न मिलने का संबंध पानी के वर्टिकल स्तरीकरण से होता है। लोग हमेशा कहते हैं कि मेल हमेशा ही खूबसूरत होता है, लेकिन जिन लोगों ने इन दोनों महासागरों के न मिलने की घटना को अपनी आंखों से देखा है, वो जानते हैं कि वो कहावत इस जगह बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती। अलास्का की बात करें तो अलास्का पहले रूस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1867 में अमेरिका ने रूस से अलास्का को केवल $70 लाख में खरीदा था और तभी से ये अमेरिका का हिस्सा बन गया। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही ऐसी और रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल इन्फो विद स्वाति को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।